नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कल से हमने जो HCF LCM शुरू कर दिया, पशु परिचर के लिए पूरी मैथ की थ्योरी देख रहे हैं। और कल की क्लास में मैंने पांच जो है टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम HCF LCM के जो है छठे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। तो छठे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि दो संख्याएं जो दी होती है ना अपने को, जिनका HCF और LCM निकालना होता है, उन संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, अपने पास देखो टेबलेट है तो थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट कर लें, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल है ये किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के HCF गुणा LCM के। ठीक है, मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल होगा वो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के जो गुणनफल है उनके बराबर होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं करके, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। कोई भी दो संख्याएं दियो ना, सिर्फ दो संख्या पर ही काम करेगा, ये ध्यान रखना। अगर तीन संख्याएं दी है तो काम नहीं करेगा। तो कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लो कि यदि दो संख्याओं का LCF और LCM, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, दो संख्याओं, अपन क्या ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकाल रहे फिलहाल, क्योंकि अपने जितने भी टॉपिक है उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद में जो है अपन जो क्वेश्चन लास्ट के 15-10 दिन बचेंगे तब निकालेंगे। तो दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 60 व 10 है। ठीक है, 60 व 10 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अपन ने ऊपर अभी क्या बात की, देखो अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और आपका सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें राइटिंग को, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो यहां पर संख्याएं क्या दी है कि दो संख्याओं का LCM तो दिया हुआ है आपको 60 और HCF दिया हुआ है 10। ठीक है, और एक संख्या तो 20 दे दी, तो दूसरी संख्या पूछी है। ठीक है, अभी ऊपर बात कर चुके कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मान लो कि नंबर 1 गुणा नंबर 2, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, LCM गुणा HCF के। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है, दोनों संख्याओं का गुणा, तो एक तो मान लो 20 दी अपने को, तो एक तो 20, दूसरी संख्या दी नहीं है उसको N2 लिख लेते हैं, LCM दिया हुआ है 60 और HCF दिया हुआ है 10। ठीक है, फिर N2 बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणा 10, और ये जो यहां से गुणा से यहां पर भाग में चला जाएगा 20, तो 10 से 10 कट गया, 2 से ये कट गया 30 बार, तो उत्तर आ गया आपका 30, यानी दूसरी संख्या कितनी है 30। तो एक इस हिसाब के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे अभी तो अपन। ठीक है, तो देख लिया आपने कल पांच प्रकार तो देख लिए थे, छठा प्रकार ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, मैं देखो यहां पर जितने भी प्रकार बताऊंगा ना आपको, उसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा या दो एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। ठीक है, और अपन जो है जब एग्जाम का लास्ट होगा ना 10-15 दिन नवंबर में लास्ट का टाइम, उस टाइम हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे लाइव आकर, क्योंकि फिलहाल थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट को थ्योरी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके LCF HCF के बराबर, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, और अपन ने ये जो है देख लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन एक लिख लेते हैं अपन कि दो संख्याओं का LCF व LCM, दो संख्याओं का राइटिंग एडजस्ट कर लेना थोड़ी सी, क्योंकि टेबलेट के आकार छोटा होता है, उस पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। LCM व HCF क्रमशः दिया हुआ है आपको एक 1820 एवं 26, यानी कि LCM तो दिया हुआ है 1820 और HCF दिया हुआ है आपका 26। ठीक है, यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है, क्या होगी। ठीक है, देखो राइटिंग से फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो समझ में आ रहा है वो आप समझें। ठीक है, दो संख्याओं का LCM तो दिया हुआ है 1820 और HCF दिया हुआ है आपको 26,
और दोनों संख्याओं में से एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताना है। तो वही हो गया एन वन गुणा एन टू, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या दी हुई 130, दूसरी संख्या नहीं दी हुई उसको एन टू लिख लिया, एचसीएफ आपका दिया हुआ है 26 और एलसीएम दिया हुआ है 1820। ठीक है, एन टू बराबर क्या हो गया 26 गुणा 1820, और देखो यहां से 130 इसके भाग में चला जाएगा 130, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13 से ये कितनी बार कट गया दो बार। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 13 से 26 दो बार कट गया, तो एन टू बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 182, और 182 को जो है 2 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 4, 6 और यहां पर 3, 364। आ गया समझ में? तो ऐसे जो है ये टाइप 6 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ गए। ठीक है, मैं ये जो आपको जितने भी टाइप कराऊंगा ना उनमें से ही एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके अलावा क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। ठीक है, पहली क्लास नहीं देखे तो टाइप 5 टाइप अपन कर चुके तो वो जरूर देखें आप। अब जो अगला आती है अपने टाइप 7, कौन सा टाइप 7, कि टाइप 7 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप 7, टाइप 7, टाइप 7 में मानो कि ऊपर वाले तो अपने देख लिया, अब अगर आपने को क्वेश्चन में कोई संख्याओं का अनुपात दे दे, क्या दे दे संख्याओं का अनुपात, एक मिनट, ऊपर जो है अपने को क्या दे दे संख्याओं का अनुपात दे दे, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपके जो है ज्यादा समझ में आ जाएगा, संख्याओं का अनुपात दे दे आपको, क्या दे दे संख्याओं का अनुपात, कोई भी तीन संख्याओं का भी अनुपात दे सकते हैं, दो संख्याओं का भी अनुपात, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, संख्याओं के अनुपात है ना, कोई भी संख्याओं का अनुपात दे दे क्वेश्चन में, तो उनके अनुपातों का, संख्याओं का अनुपातों का एलसीएम, मतलब जो भी संख्याएं दे दे उनके अनुपातों का एलसीएम निकालेंगे अपन, का एलसीएम। ठीक है, और उसको अपन अगर एचसीएफ से गुणा कर दें, उसको किससे गुणा कर दें एचसीएफ से, तो वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है ये, एक क्वेश्चन दे देते अपने को। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि यदि दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं 5:5, ठीक है 5:6 में है, मतलब दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:6 है। ठीक है, तथा उनका एचसीएफ 3 है, एचसीएफ 3 है, तो दो बात बतानी है, वे संख्याएं क्या है, वे संख्याएं क्या है, और दूसरी बतानी है अपने को उनका एलसीएम क्या है। ठीक है, उनका एलसीएम क्या है, तो दोनों चीज समझ लो। सबसे पहली बात तो अपन ने क्या कहा था कि संख्याओं का अनुपातों का एलसीएम निकालो पहले तो, और उसको एचसीएफ से गुणा करोगे तो संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। तो अनुपात क्या दिए हुए, अनुपात क्या दिए हुए हैं, देखो ये फॉर्मूला कैसे लिखता है, संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम, यानी कि अनुपात दिए हुए हैं आपको 5:6, तो 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 6 का एलसीएम आपको पता ही है दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, तो 30 हो जाएगा। तो संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम कितना हुआ 30, मतलब कुल मिला के अपने को क्या करना है, अनुपात यानी 5:6 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, और उसको एचसीएफ से गुणा करना है, एचसीएफ अपने को दिया होता है ये रहा। ठीक है, और बराबर क्या आ जाता है एलसीएम, यानी संख्याओं का एलसीएम आ जाता है, अनुपातों का एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का एलसीएम, तो अनुपातों का एलसीएम कितना आया 30, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 3, तो एलसीएम कितना आ गया आपके 90। ठीक है, कितना आ गया 90, तो एलसीएम कितना आ गया 90। अब जो है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं देखो कोई चीज नहीं समझ में आए ना आपके तो आप वापस पीछे मुड़कर जो है देखेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगी, वापस पीछे जाकर वापस क्वेश्चन देखेंगे। ये इतना तो अपने को दूसरे का उत्तर तो आ गया, एलसीएम क्या आया उन संख्याओं का 90 आया। ठीक है, वापस देख लो इस चीज को कि संख्याओं का अनुपात का एलसीएम और संख्याओं का एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का एलसीएम, तो संख्याओं का अनुपात 5:6 दिया है और 5:6 का जो है एलसीएम कितना आ गया 30, तो संख्याओं का अनुपातों का एलसीएम 30, संख्याओं का एचसीएफ दिया 3, तो संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा अनुपातों का एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो 30 गुणा 3 बराबर 90। वह संख्याएं क्या होगी, अब दूसरी बात है कि वह संख्याएं यानी पहले का उत्तर क्या आएगा, तो वह संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं होती है, देखो इनका नोट्स भी बना सकते हो आप, वे संख्याएं क्या होती है, तो जो अनुपात दिए होते हैं ना आप, संख्याएं होती है आपके अनुपात गुणा एचसीएफ, क्या होती है अनुपात गुणा एचसीएफ, तो अनुपात क्या दिया हुआ है 5:6, तो 5 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपके 3, तो 5 गुणा 3, तो एक संख्या तो कितनी हो गई 15, और दूसरा दिया 6, तो 6 गुणा 3, तो दूसरी संख्या क्या हो गई
18। तो ये चीज भी आपको अलग से ध्यान रखनी है कि कोई संख्याओं का अनुपात दिया हो क्वेश्चन में, जैसे इसमें दिया हुआ है, और आपको पूछे हुए संख्याएं क्या है, तो अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दोगे तो वह संख्याएं आ जाएगी। जैसे अनुपात 5:6 और एचसीएफ 3 दिया हुआ है, तो 5 को 3 से किया तो 15, तो एक संख्या 15 है, दूसरी आपकी 18 है। और उनका एलसीएम निकालने की तो विधि आपको मैंने बता दी कि अनुपातों का एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम, यह जो है ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आपके। अब देखो एक और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन डाल देता हूं मैं। क्वेश्चन, यदि दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हर चीज की थ्योरी पढ़ेंगे, राइटिंग थोड़ा सा आप एडजस्ट कर ले क्योंकि अपने पास जो है इतना साधन नहीं है कि अच्छे से पढ़ा सके, और गणित के लिए जो डिजिटल बोर्ड चाहिए अच्छा खासा, ठीक है, जीके वगैरह तो मोबाइल से भी पढ़ा दें। देखो दो, यदि दो संख्याएं 3:7 में है, ठीक है, मतलब 3:7 है संख्याओं का अनुपात, ठीक, उनका एलसीएम 105 है, तो ठीक है, तो पहला तो वह संख्याएं क्या होगी, क्या होगा वह संख्याएं क्या होगी, ठीक है, दूसरी बात उनका एचसीएफ क्या होगा, उनका एचसीएफ, अभी ऊपर एलसीएम पूछा था, अब एचसीएफ पूछा है, ठीक है, ऊपर तो क्या पूछा था, देखो ऊपर क्या पूछा था, एलसीएम पूछा था, एचसीएफ दिया हुआ था, लेकिन अब क्या पूछ लिया इन्होंने, एचसीएफ पूछ लिया और एलसीएम यहां पर 105 दिया हुआ है, तो इसको वही करेंगे। सबसे पहले तो अपन देख चुके कि जो है संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम, अनुपातों का एलसीएम, ठीक है, अनुपातों के एलसीएम को अगर हम गुणा करेंगे एचसीएफ से तो क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, जैसा कि ऊपर हम देख चुके हैं। दिखा देता हूं मैं आपको वापस, ये रहा संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो संख्याओं का जो है अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:7, और दोनों सहभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 21, तो ये हो गया 21 गुणा एचसीएफ, एचसीएफ अपने को दिया हुआ ही नहीं है, और बराबर एलसीएम दिया हुआ है 105। समझ में आ गया, जो चीज दी है उसकी जगह वही रख दिया, 21 तो अपने को संख्याओं का जो है 3, 7, इनका एलसीएम निकालोगे तो 3 का भाग जाएगा 1 बार, 7 आ जाएगा, 7 का जाएगा 1 1 बार, तो ये आ जाएंगे 21। तो संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम कितना आया, 21, और एचसीएफ अपने को दिया हुआ नहीं है क्योंकि वो तो निकालना है, और एलसीएम दिया हुआ है कितना, 105, ठीक है। फिर एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 105 में 21 का भाग दो तो एचसीएफ कितना आ गया आपके, 5, कितना आ गया, 5। अब क्या हुआ, इसका उत्तर तो आपको मिल गया कि एचसीएफ कितना है, तो 5 है। अब बात है कि वह संख्याएं कितनी है, तो ऊपर हम बात कर चुके कि वह संख्याएं क्या होती है, वह संख्याएं होती है अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दो, तो अनुपात कितना दिया हुआ है अपने को, अनुपात दिया हुआ है अपना 3:7, तो 3:7 दिया है, और एलसीएम एचसीएफ कितना है, 5, तो पहली संख्या तो हो गई आपकी 15 और दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई, 35, तो ये इनके सही उत्तर हो जाएंगे। ये आपके दो नंबर टाइप नंबर जो है, एक मिनट, कौन सा टाइप के क्वेश्चन थे आपके, टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन थे, ठीक है, 7 टाइप के क्वेश्चन में आपको करवा चुका। अब आप आते हैं 8वें टाइप के क्वेश्चन पर। देखो कुछ चीज समझ में नहीं आए तो पीछे जाकर वापस देखोगे तब समझ में आएगी, ठीक है, अगर कोई चीज और आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दें, उसका अलग से वीडियो बना देंगे। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, ठीक है, पहले 3 संख्याओं वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है, 3 संख्याओं वाला नहीं किया वो कर लेते हैं, फिर जो है मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा वो आपको जो है कमेंट करके बताना है। देखो 2 संख्याएं वाला ही देखे, 3 संख्या वाले देख लेते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3:4, ठीक है। अब यदि उनका एचसीएफ 12 है, एचसीएफ कितना है, 12 है, तो पहली बात तो एलसीएम बताना है, दूसरी बात वो संख्याएं बतानी है। ये क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको कमेंट करके बताना है उत्तर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था चाहे संख्याएं 2 हो या 3 हो सेम प्रोसेस लगेगी, क्या लगेगी, अनुपातों का एलसीएम, अनुपातों का एलसीएम, फिर उसको गुणा करना है एचसीएफ से, और ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो अनुपात क्या है, 2:3:4, 2:3:4, ये रहे अनुपात, इनका एलसीएम निकालो, 2 का भाग दिया 1, 3, 2 बार, वापस 2 का भाग दिया। अगर ये जो अपन पहली क्लास पर देख के आए हो ना तभी आपको सारे ये समझ में आते जाएंगे,
फिर एक, फिर वापस तीन का भाग दिया तो एक एक एक, तो एलसीएम क्या आया, दो को दो से गुणा किया चार, चार को तीन से किया तो 12। तो अनुपातों का एलसीएम कितना है आपके, कितना है अनुपातों का एलसीएम 12। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ भी 12 दिया हुआ है, तो गुणा 12 बराबर एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 144। समझ में आ गया आपके, एलसीएम कितना आ गया 144 आ गया। क्यों, क्योंकि अनुपातों का एलसीएम, तो अनुपातों का एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है, तो अनुपातों का एलसीएम आया आपके 12 और एचसीएफ दिया हुआ है 12, तो एलसीएम कितना हो गया 144। फिर वह संख्याएं क्या होती है, और संख्याओं के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि संख्याएं क्या होगी आपकी, संख्याएं होगी अनुपात गुणा एचसीएफ, क्या होगा अनुपात गुणा एचसीएफ, तो एचसीएफ अपना दिया हुआ है कितना 12, और अनुपात 2 3 4 दिया हुआ है, अनुपात 2 3 4 और एलसीएफ दिया हुआ 12 12 12, तो गुणा कर दो, तो एक संख्या 24 है, दूसरी 36 है, तीसरी 48 है, ये आपका जो है उत्तर हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, खुद ही करना है वो क्वेश्चन, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपके 4:5:6, ठीक है, ये दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, यदि इनका एलसीएम बराबर 240 है, तो आपको दो बात ज्ञात करनी है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है, और दूसरी बात अपने को ज्ञात करनी है वे संख्याएं क्या है, ये चीज आपको ज्ञात है करनी है। तो कैसे करोगे, तो वही बात है, फॉर्मूला ये लगाना है अपने को, दो अनुपातों का एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम, तो यहां पर जो है आपका एलसीएम दिया, तो एचसीएफ की जगह नाम एचसीएफ लिख देना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके देखोगे तभी आपको आएगा, और आप जो है उत्तर जरूर कमेंट करें, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 8 प्रकार के, ठीक है, टाइप 7 प्रकार के अपन ने देख लिया, 8वां टाइप देखते हैं, ये जितने भी टाइप में करवा रहा हूं ना वैसे क्वेश्चन आपके जो है आए हुए हैं, ठीक है, बोर्ड में आए हुए हैं। टाइप आठ में क्या होगा, देखो टाइप आठ जानने से पहले आपको जानना होगा सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ये जानना जरूरी है। तो देखो एक होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता हो या जो है एक का भाग जाता हो, ठीक है, वो होती है अभाज्य संख्या। एक को छोड़ दो, सबसे छोटी संख्या होती है दो, दो में देखो या तो दो का भाग जाता है एक बार या दो में एक का भाग जाता है दो बार, इसके अलावा दो में किसी का भाग नहीं जाता, तो दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, दो अभाज्य हो गई। तीन भी क्या हो गई, अभाज्य, क्योंकि तीन में या तो तीन का जाता है या जो है आपका एक का जाता है, लेकिन चार अभाज्य नहीं है, क्यों, चार में स्वयं का तो जाता है, चार का चार में एक बार, और चार में एक का चार बार, लेकिन चार में दो का भी तो जाता है, ठीक है, और जब बात स्वयं और एक के अलावा अगर किसी का भी भाग जाए तो होते हैं भाज्य, तो चार कौन सी है, भाज्य, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन पांच, पांच में देखो पांच के और खुद एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो पांच क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। छह में देखो छह में छह का भी जाता है एक का भी जाता है, लेकिन इसके अलावा तीन का भी तो जाता है पूरा पूरा दो बार, और दो का भी तो जाता है तीन बार, तो मतलब इसमें खुद के और एक के अलावा भी किसी का भाग जाता है, तो छह क्या हो गई, भाज्य। तो समझ में आ गया, अभाज्य संख्या वो है जिसमें खुद के या एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए, और भाज्य वो होती है जिसमें खुद और एक के अलावा भी किसी और का भाग चला जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है अभाज्य, अभाज्य समझ में आ गया, भाज्य और अभाज्य कौन सी होती है, वैसी होती है एक सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, सह अभाज्य, सह अभाज्य में दो संख्याएं होती है जैसे एक और तीन, ये क्या है, सह अभाज्य, क्यों, क्योंकि इनका एल कुल मिला के जो सह अभाज्य संख्या होती है उनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, एक और तीन का एचसीएफ, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनका दोनों में भाग जाए, जैसे 2 और 5 है, ये भी क्या है, सह अभाज्य, क्यों, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन ऐसी संख्या नहीं है जिनका दोनों में भाग चला जाए, जैसे मैं बोल दूं 2 और 6 क्या ये सह अभाज्य है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 और 6 ऐसी है इनका, देखो 2 और 6 का एचसीएफ निकालोगे तो आपको पता है कि कितना आएगा, 2 आएगा, और दूसरी बात यह है कि इनमें दोनों में दो दो का भाग जा रहा है, मतलब ये क्या है, सह अभाज्य नहीं है। जैसे एक और बात करते हैं 3 और 5, ये क्या है, सह अभाज्य है, क्या है, सह अभाज्य, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 3 और 9 की, तो ये सह अभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 3 और 5 में किसी का भी भाग नहीं जा रहा, दोनों में सेम, लेकिन इनमें देखो दोनों में तीन का भाग जा रहा है, इसलिए जो है ये सह अभाज्य नहीं है।
जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 और 9, तो 4 और 9 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि 4 और 9 में कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग जाए। तो कुल मिला के सहअभाज्य संख्याएं वह होती है जिसमें जो है आपका जो है किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर हम 4 और 8, 4 या 10 कर दें, तो इसमें देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है इसमें, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो सहअभाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें जो है कोई भी कॉमन भाग नहीं जाए। कुल मिला के सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान से जो है इनको भी देख लेना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, तीस तीस जो तीसरा क्वेश्चन खुद गणना है, या 3 करवाऊंगा, चौथा खुद गणना है, तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना। देखो, 2 संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो ध्यान रखना, 2 संख्याओं का योग जो है वो आपके 36 है। ठीक है, तथा उनका उनका एचसीएफ 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म होंगे, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म होंगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं वन रक्षक में। आपके वैसे एलसीएम एचसीएफ जो है बहुत कम टॉपिक होता है, बहुत कम कंपटीशन में आता है, लेकिन वन रक्षक में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, ये बात जो है थोड़ी सी ध्यान से देख लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वन रक्षक जो है आपका पशु परिचर लेवल का पेपर था, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। तो दो, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2 संख्याओं का योग कितना है, 36। ठीक है, उनका एचसीएफ देखो, यहां पर हमेशा एचसीएफ दिया हुआ आएगा, एचसीएफ कितना है, 4, और युग्म पूछा है कितने संभव है। तो जो भी संख्याएं हैं, अपन मान लेते हैं संख्याएं एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स वाई जो है दो, अपन मान लेते हैं अनुपात, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, 4x + 4y। कारण क्या है कि जो संख्याएं उनका एचसीएफ होता है ना, वो हमेशा दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो 2, 4 दोनों में कॉमन है, तो मतलब पहली संख्या को भी 4 से गुणा कर दिया, दूसरी को भी 4 से। सिर्फ आप तरीका देख ले, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में अपने को उत्तर चाहिए जिंदा या मुर्दा। एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का कॉमन होता है, मतलब कि ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग जाए, तो वो 4 है। तो 4 को एक्स से गुणा कर दिया, 4x + 4 को दूसरी संख्या वाई से गुणा कर दिया, 4y, और ये दोनों संख्याएं आ गई। एक संख्या क्या है, 4x, और एक है 4y। ठीक है, अब जो है इनका योग दिया हुआ है 36। ठीक है, तो x + y, 4 कॉमन ले लिया और 4 भाग में चला जाएगा, यानी कि 9, यानी पूरी संख्या में से 4 कॉमन ले लिया, तो x + y बराबर कितना आ जाएगा, 9। समझ में आ गया आपके, x और y कितने आ जाएंगे, 9। अब देखो 9 के जितने भी युग्म बने वो बनाओ, एक तो कि 1 और 8 को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। ठीक है, एक है आपके 2 और 7 को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। ठीक है, एक है आपके 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। ठीक है, एक है आपके 4 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। 4 युग्म बन जाएंगे, 8, 1, 7, 2 बनेंगे, वो तो एक ही बात है, दोनों उल्टे हो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अपने को एक एक बार ही लेने हैं। यहाँ 8, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1, 8 ले लिया तो 8, 1 भी शामिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको पता चलेगा कि जो भी सहअभाज्य है ना उनको छांट लो। क्या है सहअभाज्य, सहअभाज्य कौन सी होती है, अभी बता दिया कि दोनों संख्याओं में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, दोनों में कॉमन भाग नहीं जाना चाहिए किसी का, वो होती है सहअभाज्य। ठीक है, अब देखो छांटते हैं अपन, 1 और 8 कोई ऐसी संख्या है 1 के अलावा जिसका इन दोनों में भाग जाता हो, बिल्कुल नहीं है, तो ये हो गया सहअभाज्य संख्या। 2 और 7 में किसी का भी भाग नहीं जाता, मतलब कोई भी एक संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए, तो ये भी सहअभाज्य हो गई। तीसरा 3 और 6, 3 और 6 में देखो 3 का दोनों में भाग जाता है, 3 का 3 में 1 बार जाता है, 3 का 6 में 2 बार जाता है, तो इसमें दोनों में जो ऐसी संख्या मौजूद है कि दोनों में भाग चला जाए, तो ये जो है सहअभाज्य नहीं है। 4 और 5, 4 और 5 जो है दोनों ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है जिनका दोनों में भाग चला जाए, तो ये भी सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य के कितने युग्म आए, 3, तो यहां पर कितने युग्म संभव है, 3 युग्म संभव है। क्या है, 3 युग्म संभव है, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस पीछे जाइए 2, 10, 15, 20, 25, 2 मिनट, और फिर जो है आप वापस इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, वरना अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा। ठीक है, हार्ड से हार्ड जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो
अगला क्वेश्चन है अपने वही है, दो संख्याओं का योग 84 है। ठीक है, इस बार योग कितना दिया है, 84 है। ठीक है, इनका एचसीएफ दे देते हैं, इनका एचसीएफ 12 है। ठीक है, तो कितने युग्म संभव है, अब समझ में आ जाएगा। अगर पिछले में नहीं आया, फिर भी नहीं आया तो पीछे जाकर दोनों क्वेश्चन को वापस देख लेना, कितने युग्म संभव है। अभी देखते हैं कितने युग्म संभव है। तो सबसे पहली बात तो कि संख्याएं एक्स और वाई इनको क्या किससे गुणा करना है, तो अपन बात कर चुके हैं, जो भी संख्या अपने को दे उसको एचसीएफ से गुणा करना है। तो 12 को एक्स से गुणा, 12 को एक्स को भी 12 से करना है, प्लस वाई को भी 12 से करना है, और दोनों का योग कितना है, 84। अब देखो तीनों में 12 का भाग जा रहा है, तो एक्स प्लस वाई हो गया 12 को, इससे 84 में कितनी बार जाता है, 7 बार। तो ये अपना समीकरण बन के आ गया। तो ऐसे युग्म में बताओ जिनका योग जो है 7 आ रहा है। तो ऐसे युग्म में एक तो 1 और 6, ठीक है, दूसरे हैं आपके 2 और 5, ठीक है, तीसरे हैं अपने 3 और 4, ठीक है, इनके अलावा कोई भी ऐसा युग्म संभव नहीं है। तो अब ऐसी संख्याएं देखने जो सहभाज्य हैं, सहभाज्य का मतलब दोनों में से किसी में भी जो है सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो 1 और 6 में कोई भी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 और 5 में भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे, तो इस ये भी सहभाज्य है। ठीक है, 3 और 4 में भी कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या है, सहभाज्य है। ठीक है, तो तीनों सहभाज्य हो गई, तो इसका मतलब कितने युग्म संभव है, 3 युग्म संभव है। ठीक है, अगर इसमें मान लो एक 7 के अलावा अगर हम एक और ऐसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई ऐसा आ जाता 4 और 6, ऐसी कोई आ जाती मान लेते हैं एक बार, तो इसमें देखो 4 और 6 दोनों में दो दो का भाग जा रहा है, मतलब ऐसी संख्या मौजूद है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, मतलब किसी संख्या का जो है दोनों में भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य नहीं होती। एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी तीनों में नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया, आपके 3 युग्म संभव हो गए। ठीक है, ये तो बात क्या हुई अपने एक नॉर्मल क्वेश्चन की होगी कि ऐसे आ जाए तो क्या होगा। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ सकता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसकी एक क्लास और होगी अपनी, उसमें पूरा का पूरा जो है समेट देंगे इसको। ठीक है, आज जो है पूरी ट्रिक देख लेंगे, और फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो देखने बाकी रहेंगे। ठीक है, तीसरी क्लास में पूरा समेट देंगे इसको। फिर है देखो क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। दो, अब देखो इतनी देर तो 2 संख्याओं का योग दिया हुआ था, अब है 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया, 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 7 और 42 है, क्या है, 7 और, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, यहां से ही आने के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। अब देखो इसको देख लेना, अगला क्वेश्चन खुद ही करने हैं, संख्याओं के कितने युग्म संभव है, राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, संभव है। ठीक है, देखते हैं, देखो अभी साधारण ब्याज एवरेज सारी चीजें ऐसे ही करवाऊंगा मैं आपको। तो 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 7 और 42, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो मैंने आपको बताया था जो भी संख्याएं मानो उनको कैसे माननी है कि एचसीएफ को उन संख्याओं से गुणा कर दो। तो एक संख्या तो 7x मान ली, और दूसरी क्या मान ली, 7y मान ली, तो दोनों का गुणा कर दो, यानी कि ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे अपन मान रहे थे ना कि जैसे यहां पर एचसीएफ 12 दिया था, तो दोनों संख्याओं को क्या मान रहे थे, 12x और 12y, और वहां पर देखो एचसीएफ दिया हुआ था 4, तो दोनों संख्याओं को क्या मान रहे थे, 4x और 4y। तो यहां पर अपने को एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 7 दिया हुआ है, एचसीएफ 7 दिया हुआ है, तो एक संख्या को 7x, दूसरे को 7y मान लिया। ठीक है, अब अपने को यह भी पता है कि 2 संख्याओं का गुणा ऊपर पढ़कर आए वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, यह भी हम पढ़कर आए हैं कि 2 संख्याओं का गुणा, तो 2 संख्याएं क्या होगी, एचसीएफ को संख्याओं से गुणा किया 7x 7y, उनका गुणा किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम 7 गुणा कितना हो गया आपके 42। तो इस हिसाब से ये 7 कट गया। अब ये मैं सोचना ऊपर वाली से ऊपर वाली कैसे कटी, अगर बराबर का चिन्ह होता है ना बीच में, तो ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या कट जाती है। तो ये 7 से ये कितनी बार कट गया, 6 बार। तो एक्स गुणा वाई बराबर क्या आया, 6। ठीक है, एक्स गुणा वाई कितना आया, 6। अब आपको वही देखना है कि कितने ऐसे युग्म हैं जिनका जो है गुणा 6 आता है। तो 1 और 6 का गुणा 6 आता है, ठीक है, 2 और 3 का गुणा 6 आता है, ठीक है, इसके अलावा किसी भी युग्म का गुणा 6 नहीं आता। अब इनको ये देखो कि ये सहभाज्य है या नहीं। तो देखो 1 और 6 में दोनों में किसी का भी कॉमन भाग नहीं जाता, तो ये सहभाज्य है।
दो और तीन में किसी का भी कॉमन भाग नहीं जाता, तो ये भी सही बात है। तो संभव जो है आपके कितने होंगे, दो युग में होंगे, संभव दो युग में होंगे। अब एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, आपको करके बताना है। और अगर ये क्लास जो है अपने टाइप पूरे हो जाएंगे, अब कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन जो है अगले में आराम से कर लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में ही मैंने बताए आपको। देखो अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन दे देता हूं, वो आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है, ठीक है। एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 15 गुना है। और एचसीएफ आपको दे दिया, एचसीएफ दिया हुआ है 8, तो युग्म बताने कितने संभव है, युग्म में कितने संभव है, कितने संभव है, ठीक है। अब देखो आपको बताया क्या हुआ, एलसीएम 15 गुना एचसीएफ का, तो एचसीएफ 8 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना 8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15 गुणा 8, तो एच जो कितना हो जाएगा 120। अब आपके सामने है एक संख्या को एचसीएफ से गुणा करके 8x मान लो, दूसरी को 8y मान लो, और दोनों का गुणा किसके होगा, 8 गुणा 120 के बराबर होगा। और अभी मैं कर ही देता हूं, फिर इतना कर दिया तो फिर जो है आप उस हिसाब से कर देना, ये 8 से 8 कट गया, और ये 8 से ये कितनी बार कट गया आपका, 15 बार। तो एक्स गुणा वाई बराबर क्या आ गया, 15। तो कितने युग्म बनेंगे, तो युग्म बनेंगे आपके एक तो 1 और 15, और एक बनेगा 3 और 5, इसके अलावा कुछ भी युग्म नहीं बनेगा। तो अब मान लो एक जो है इन दोनों में किसी का भी भाग नहीं जाता, तो ये भी सही है, और इन दोनों में भी किसी का भाग नहीं जाता तो ये भी सही है, तो दो युग्म संभव है। बाय चांस एक और एग्जाम्पल यहाँ आ जाता कि 4 और जो है 6, ठीक है, या फिर और अगर माने कि अपन ये आ जाता 4 और 10, ऐसा कोई युग्म आ जाता मान लेते हैं, जो दोनों संख्याओं में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो ये फिर काउंट नहीं होता, ठीक है। काउंट वही होंगे जिसमें दोनों संख्याएं अलग अलग होगी, सहअभाज्य होगी, ठीक है। तो ये अपने जो है आज के कुछ क्वेश्चन थे, अब जो है टाइप पूरे हो चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपको डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें जो है हम अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।